तो आपकी बुकलेट में इलास्टिक कोलिजन का ये एग्जांपल, ये प्रूफ मैंने किया हुआ है और यही आंसर है। अब ये मैंने क्या प्रूव किया, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई सेकेंड पार्टिकल को, तो पहली के पास कितनी फ्रैक्शन बच गई, रिटेन कर लिया, तो जो भी आंसर आया वन में से उसे माइनस करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन आ जाएगी फर्स्ट पार्टिकल की आंसर। नेक्स्ट है, अगर मान लो क्वेश्चन ये आया कि आपकी एक बॉडी है और दूसरी बॉडी रेस्ट पे पड़ी हुई है और फर्स्ट बॉडी सेकेंड को टक्कर मारती है, फर्स्ट बॉडी का मास m1 है और सेकेंड का मास देखो कितनी चलाकी से चेंज किया, 1/m × m1, m में कंफ्यूज कर दिया, 1/m × m1। तो मैंने अपने मन में बताऊं क्या सोचा, k × m1, वेयर k = 1/m, ठीक है, k = 1/m। अब वो कह रहा है कितना फ्रैक्शन आगे ट्रांसफर हो गया, मेरे को सॉल्व नहीं करना पड़ा, 4k/k+1 होल स्क्वायर में k की जगह क्या रिप्लेस कर दें, 1/m, चेक कर लो यही आंसर आएगा, है कि नहीं कमाल का फॉर्मूला, बहुत आपका एफर्ट बचाएगा, बहुत क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से सॉल्व हो जाने वाले हैं आपके। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या करना है, तो वहां से k निकाल लेना है कितने टाइम्स है आंसर। जैसे नेक्स्ट है ये हो जाएगा ऐसे, वैसे मैंने पूरा किया हुआ है, रिपीट किया है क्वेश्चन, पर आप शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। सपोज एक बॉल है, ये एक बॉल है, बॉल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 m/s, ये रहा तो u1 गिवन है आपको इसमें, और एक हैवी वॉल है, एक बहुत हैवी दीवार है, दीवार भी मूव कर रही है 1 m/s ऐसे ऐसे, इधर दीवार आ रही है इधर से गेंद आ रही है, टक्कर हो गई, तो ये u1 है ये u2 है। अब u2 -1 है न्यूमेरिकली क्योंकि इसकी डायरेक्शन कहाँ है, लेफ्ट, तो आपको -1 पुट करना है। अब वो कह रहा है कि ये बताओ कि बॉल की वेलोसिटी इमीडिएटली क्या होगी जब ये टक्कर खा के वापस जाएगी। अब वापस जाएगी का मतलब तो पीछे जाएगी, मान लो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी, तो v2 इसकी इनिशियल u1 है तो फाइनल v1 है, v1 की जगह क्या आएगा, -v, इन ऑपोजिट डायरेक्शन है। दीवार की वेलोसिटी क्या होगी, हैवी दीवार है, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पहले भी 1 के साथ है, ये बाद भी 1 के साथ है, तो इसकी वेलोसिटी v2 क्या होगा, -1। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, आपको क्या निकालना है, आपको v1 निकालना है, आपको v1 निकालना है, आपके पास इलास्टिक कोलिजन को सॉल्व करने के सिर्फ 3-4 तरीके हैं और कुछ है ही नहीं आपके पास। पहला मोमेंटम कंजर्वेशन, इसमें नहीं लग सकता, क्यों, मास ही नहीं है दीवार का तो लगाओगे क्या, नहीं लग सकता। दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन, नहीं लग सकता, उसमें भी मास चाहिए, नहीं है। तीसरा v1 v2 के बड़े बड़े फॉर्मूलाज, उसमें भी मास चाहिए, वो भी नहीं लग सकते। फिर आखिरी आपके पास एक ही हथियार है, कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसमें मास नहीं चाहिए सिर्फ, तो आप रेस्टिट्यूशन लगा लेना, लगाओ रेस्टिट्यूशन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का रेस्टिट्यूशन क्या होता है, 1। अब करें पुट, v2 की जगह क्या पुट करेंगे, -1, v1 की जगह क्या पुट करेंगे, -3, u1 की जगह क्या पुट करेंगे, 2, और u2 की जगह -, बस वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर 1 सेकंड में बाहर है कि नहीं कमाल का, कुछ भी नहीं करना, 3 तो तरीके हैं टोटल, तीनों में से कोई तो काम करेगा ही करेगा। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ तक क्या लॉजिक है, तो रेस्टिट्यूशन लगा लेना, बस ये ध्यान से कर लेना, अगर तुमने यहाँ डायरेक्शन में चक्कर डाल लिया ना, बस ये याद रखना इधर की वेलोसिटी पॉजिटिव और इधर की वेलोसिटी, बस फिर नहीं क्वेश्चन गलत होता, अगर तुमने यहाँ गड़बड़ कर दी फिर रेस्टिट्यूशन बचा नहीं पाएगा, क्वेश्चन गलती होके आएगा, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन है, वो कहेगा एक ना न्यूट्रॉन है, सीधा सुन लो, न्यूट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन का मास m है, वो एक न्यूक्लियस को हिट करने जा रहा है, न्यूक्लियस का एटॉमिक मास नंबर a है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, और जिसका एवरेज मास m है, तो न्यूट्रॉन का मास भी m है और न्यूक्लियॉन्स का मास भी, एक न्यूक्लियॉन का मास m है और कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं a, तो टोटल मास क्या होगा, m है। वो कह रहा है ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है, आपको ये बताना है कि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी कितनी ट्रांसफर होगी, इस न्यूट्रॉन ने कितनी ट्रांसफर की, फिर से मैं क्या लगा दूंगा, के 4k/k+1 होल स्क्वायर, इस बार k की जगह क्या पुट करूंगा, a, क्योंकि मास कितने हैं, k × m की जगह a × तो a पुट कर लेना आंसर। और कितना फ्रैक्शन ट्रांसफर हो गया, इतना, कितना रिटेन हो गया, 1 में से इसे माइनस कर, इसे यही पूछा न्यूट्रॉन के पास कितना रह गया, तो 1 में से इस रिजल्ट को क्या करना पड़ेगा,
माइनस, तो आपकी चेक कर लेना, आपके पास सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कैसे होने हैं इसमें? ठीक है यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, परफेक्टली